स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपका लेशन 8 और लेशन का नाम है द बेगा, विच इज रिटन बाय एंटो चेकोव। एंटो चेकोव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एंटोन चेकोव जो है 1860 में बॉर्न हुए थे और 1904 में इनकी डेथ हुई। ये एक फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स रहे हैं और इनने कुछ प्ले जो है ड्रामास भी लिखे हैं। सबसे पहले जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में स्टडी कर रहे थे और ये मेडिकल की स्टडी कर रहे थे मेडिसिन में, और जब इनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली 1884 में, उसके बाद इन्होंने मेडिसिन की लाइन में काम ना करते हुए एज अ जर्नलिस्ट काम किया और कॉमिक स्केचेस के वो राइटर बने। शुरुआती दौर में ही इन्होंने अपनी राइटिंग पर मास्टरी हासिल कर ली थी और उसके बाद इन्होंने कई सारे मास्टरपीस जो है अपने प्रोड्यूस किए। उसमें से जो एक प्ले है वो था द बियर, जो कि 1888 में इन्होंने पब्लिश किया था। एक और राइटर है टॉलस्टॉय। अगर आपने 10th में एक लेशन पढ़ा होगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ टॉलस्टॉय फार्म करके, तो वो टॉलस्टॉय जो थे वो एक राइटर हुआ करते थे। उन्होंने इनको एडमायर किया, मींस इनकी तारीफ की कि ये बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरीज ये लिखते थे। और इसके बाद हम देखें तो ये जो राइटर है एंटो चेकोव, ये जाने जाते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए। ये काफ़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। ये जो प्रेजेंट स्टोरी है द बेगार, ये एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है जो अपने काम से निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ इस ड्रंकननेस, मींस पियक्कड़पन की वजह से वो निकाल दिया जाता है, और बाद में वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए झूठ का सहारा लेता है एंड भीख मांगना शुरू कर देता है। बट एक दिन अचानक से उसकी लाइफ में एक मोड़ आ जाता है, उसकी किस्मत बदल जाती है और वो एक ऐसे व्यक्ति से जाकर मिलता है जो उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। काइंड सर, बी सो गुड एज टू नोटिस ए पुअर हंग्री मैन। आई हैव नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days. आई हैव नॉट ए 5 copeck पीस फॉर ए नाइट्स लॉजिंग। आई स्वेयर बाय गॉड फॉर 5 years आई वॉज विलेज स्कूल मास्टर एंड लॉस्ट माई पोस्ट थ्रू द इंट्रिक्स ऑफ द जेमस्टोव। I was the victim of false witness. I have been out of place for a year now. डायलॉग से लग रहा है कि ये उस बेगार, उस भिखारी की बातें हैं। वो कहता है कि बड़ी दया होगी सर अगर इस पुअर हंग्री मैन को आप नोटिस करते हो। मैंने पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और मेरे पास 5 copeck जैसा हमारा इंडियन रुपीज में पैसा होता है, डॉलर में सेंट होता है, वैसे ये रूबल, रशिया की जो करेंसी है वो रूबल है, रूबल का एक पार्ट होता है। तो बोलता है 5 copeck 5 copeck मुझे चाहिए होते हैं नाइट होल्ड करने के लिए कहीं भी, जहां मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं, पर मेरे पास वो नहीं है। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि पिछले 5 साल मैंने जो काम किया वो एक गांव में एज ए स्कूल मास्टर काम किया है, परंतु जो जेमस्टो है, जेमस्टो मींस एक लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जैसे अपने होता है नगर पालिका, नगर निगम, ऐसे ही एक जेमस्टो रशिया में एक लोकल गवर्नमेंट है जो कि जनरली एक छोटे एरिया में काम करती है। तो उस गवर्नमेंट की इंट्रिक्स का मतलब होता है कि साजिश एक तरह से है। तो एक साजिश जो हुई थी उस लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे अपनी पोस्ट गंवानी पड़ गई। मैं जो है विक्टिम, मतलब कि एक तरह से मैं शिकार हुआ था किसका, फॉल्स विटनेस, गलत गवाही किसी ने मेरे खिलाफ दे दी थी और उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। और पिछले जो टाइम है 1 साल का, उस 1 साल से मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है या मैं आउट ऑफ पोस्ट हूँ, मेरा प्लेस मतलब उस पोस्ट पर नहीं हूँ। स्कॉटसो ए पीटरबर्ग लॉयर, स्कॉटसो नाम का एक व्यक्ति के सामने ये वो बोलता है और वो एक पीटरबर्ग लॉयर है। लुक्ड एट द स्पीकर टेटर डार्क ब्लू ओवरकोट, और जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो एक टेटर फटा हुआ डार्क ब्लू कलर का ओवरकोट पहने हुआ उसकी तरफ देखते हुए देख रहा है। एट हिज मडी ड्रंकन आईज, और वो जो बेगारी आया है, जो भिखारी आया है, बेगार आया है,
उसकी आंखें जो है वो ड्रंकन लग रही है, मींस उसने शराब पी हुई है, एट द रेट पैचेस ऑन हिज चेक्स, और उसके पैचेस मींस धब्बे है ना, लाल धब्बे जो है उसके चेहरे पर, उसके गालों पर हो रहे हैं, एंड इट सीम्ड टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर। और स्कॉसो को क्या लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, यानी भिखारी को शायद उसने कहीं देखा है, ऐसा वो सोच रहा है। एंड नाउ आई एम ऑफर्ड ए पोस्ट इन द कलुंगा प्रोविंस, द बेगार कंटिन्यूड। बेगार जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है, कहता है कि जो कलुंगा प्रोविंस, कलुंगा नाम की एक जगह है रशिया में, एक सिटी है, उस सिटी में मुझे जो है जॉब मिली है, बेगार ऐसा कहता है, बट आई हैव नॉट द मीन्स फॉर द जर्नी देयर, परंतु मेरे पास वहां यात्रा करके जाने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। ग्रेसियसली हेल्प मी, दया करके मेरी मदद करें। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम कंपेल्ड बाई सर्कमस्टेंसेस। क्या कह रहा है कि मुझे ये कहते हुए आपसे शर्म आ रही है, परंतु आई एम कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स मजबूर होना, तो मैं मजबूर हूं किनके हाथों, बाई सर्कमस्टेंसेस मीन्स परिस्थितियों के हाथों में मजबूर हूं, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। स्कॉट सो लुक्ड एट हिज गॉलोशेस, गोलोशेस मीन्स रबड़ के जूते होते हैं, जो ओवर शूज होते हैं, वो उनकी तरफ देखता है जो कि उस भिखारी ने पहन रखे है, ऑफ विच वन वॉज शेलो लाइक ए शू, और वो कैसे लग रहे हैं, शेलो मीन्स उथला हुआ लगना, तो थोड़े से उन जूतों की वजह से शायद वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। वाई द अदर केम हाई अप द लेग लाइक ए बूट एंड सडनली रिमेम्बर्ड, और अदर मीन्स जो स्कॉटसो है वो उस चीज को जज कर लेता है, देख लेता है, और उसको अचानक से सडनली रिमेम्बर्ड, और उसको याद आ जाता है कि उसने उस व्यक्ति को जो उसके सामने खड़ा है भिखारी, उसको कहीं देखा था, तो कहाँ देखा था वो उसको याद आ जाता है स्कॉटसो को, जो कि एक पीटरबर्ग लॉयर है। कहता है, लिसन द डे बिफोर यस्टरडे आई मेट यू ए शेडोवी स्ट्रीट ही सेड। स्कॉटसो क्या कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें कल के एक दिन पहले, यानी कि परसों जो है वो मैंने तुम्हें शेडोवी शेडोवी स्ट्रीट जो नाम का रोड है वहां पर मैंने तुम्हें देखा था, एंड देन यू टोल्ड मी नॉट दैट यू वर ए विलेज स्कूल मास्टर बट दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, डू यू रिमेम्बर। स्कॉटसो क्या कहता है उससे कि यार तुम मुझे परसों मिले थे, और परसों तो तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम एक स्कूल मास्टर थे, तुमने तो कहा कि तुम एक स्टूडेंट थे और उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया, मतलब कि उसको निष्कासित कर दिया गया, अपने स्कूल से निकाल दिया गया, क्या तुम्हें याद है तुमने ऐसा कहा था मुझे। तो भिखारी क्या जवाब देता है, नो नो दैट कांट बी सो, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर। द बेगार मटर्ड इन कंफ्यूजन, कंफ्यूज होते हुए कहता है, शायद उसको याद नहीं रहा होगा कि मैंने क्या कहा था। आई एम ए विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट। क्या कहता है भिखारी कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, अगर आप चाहते हो तो मैं स्कूल मास्टर था, इस चीज का सबूत मैं आपको दे सकता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा सकता हूं कि मैं था या नहीं था। तो स्कॉट सो उसको क्या कहता है, दैट्स इनफ लाइज, बहुत हुआ झूठ बोलना, यू कॉल्ड योर सेल्फ स्टूडेंट, तुमने तो कहा था कि तुम उस दिन कहा था तुम एक स्टूडेंट हो, एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू वर एक्सपेल्ड फॉर, तो तुमने तो मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है ये बात कि तुमने मुझे ऐसा कहा था। स्कॉटसो फ्लस्ट, स्कॉटसो क्या हो जाता है, फ्लस्ट हो जाता है, फ्लस्ट हो जाना मतलब कि उसका चेहरा एकदम से धुल जाता, धुला हुआ मतलब एकदम से उसका चेहरा का रंग बदल जाता है, एंड विद अ लुक ऑफ डिस्गस्ट ऑन हिज फेस टर्न अवे फ्रॉम द रेक्ड फिगर। तो स्कॉटसो जो है वो थोड़ा सा डिस्गस्ट हो जाता है, डिस्गस्ट मतलब कि थोड़ा सा अपना चेहरा घिनौना, किसी को देखकर घिन आती है ऐसा चेहरा बना लेता है, और उससे अपना चेहरा दूर हटा लेता है, किससे, रग्ड फेस, रग्ड मतलब कि एक तरह से जो भद्दा दिख रहा है या बेकार सा चेहरा दिख रहा है ना, जो टूट जो एकदम टॉर्न और डर्टी जिसको बोलते हैं उसको रग्ड बोलते हैं, रग्ड का मतलब होता है टॉर्न एंड डर्टी फेस, तो उससे अपना चेहरा उस फिगर से यानी कि उस भिखारी की तरफ से अपना चेहरा अलग हटा लेता है और कहता है, इट्स कंटेम्प्टिबल ही क्राइड एंग्रीली, और गुस्से में क्या कहता है कि ये तो क्या है, एक घिनौना काम है, मतलब तुम बहुत घिनौना काम कर रहे हो, ऐसा गुस्से में वो चिल्लाता है स्कॉटसो उस भिखारी पर। इट इज ए स्विंडल,
ये तो ठगी है, स्विंडल मीन्स क्या होता है, ठगी करना। आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस, डैम यू, मैं तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वा दूंगा, लानत है तुम पर। यू आर पुअर एंड हंग्री, तुम बिल्कुल गरीब हो, तुम भूखे हो, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू लाई सो शेमलेसली। परंतु तुम्हारा भूखा होना और तुम्हारा गरीब होना तुम्हें इस बात का अधिकार नहीं देता है कि तुम इस तरह बेशर्मी के साथ झूठ बोलो। द रेक्ड फिगर टुक होल्ड ऑफ द डोर हैंडल, और जो रेक्ड फिगर यानी कि जो भिखारी था वो डोर का हैंडल पकड़ के खड़ा रहता है, लाइक ए बर्ड इन ए स्नेयर, है ना, जिस तरह से एक पक्षी जो है वो स्नेयर में फंस जाता है, मतलब कि जाल में फंस जाता है, वैसे ही जो भिखारी है वो चुपचाप खड़ा रहता है। लुक्ड राउंड द हॉल डेस्परेटली, और वो बिल्कुल सख्ती के साथ जो है वो देखता रहता है हॉल में, और कुछ कहता नहीं है। आगे वो कुछ कहता है, आई एम नॉट लाइंग, ही मटर्ड, आई कैन शो डॉक्यूमेंट, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब बड़बड़ाते हुए वो कहता है, और कहता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं कि मैं स्कूल मास्टर था। तो स्कॉट सो उसको क्या जवाब देता है, हु कैन बिलीव यू, तुम्हारे ऊपर बिलीव कौन करेगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर कौन भरोसा करेगा। स्कॉट सो वेंट ऑन, स्कॉट सो आगे कहता है, स्टिल इंडिग्नेंट मीन्स अब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, इंडिग्नेंट मीन्स वो गुस्से में है अभी भी। टू एक्सप्लॉइट द सिंपथी ऑफ द पब्लिक फॉर विलेज स्कूल मास्टर्स एंड स्टूडेंट्स, इट्स सो लो, सो मीन, सो डर्टी, इट्स रिवोल्टिंग। ये तो काफी विरोध करने वाली बात है कि तुम दूसरों की सिंपथी का गलत फायदा उठा रहे हो एज ए स्कूल मास्टर बन के, और कभी स्टूडेंट बनकर। ये काफी लो मीन्स काफी गिरी हुई हरकत है, सो मीन काफी आप मतलबी वाली बात है, सो डर्टी काफी गंदी बात है, इट्स रिवोल्टिंग मीन्स इसका ये तो बिल्कुल ना मानने वाली, यानी कि एक तरह से कोई भी सामने वाला गुस्सा हो जाए, यार रिवोल्ट का मतलब तो वैसे क्या होता है, एक तरह से विद्रोह कर देना होता है, परंतु यहां पर रिवोल्ट का मतलब हो रहा है कि ये विरोध करने वाली बात ही है तुम्हारी, ना मानने वाली बात। स्कॉट सो फ्लिव इन टू ए रेग, रेग मीन्स भी क्या होता है, नाराजगी होना, यानी कि बहुत गुस्से में वो कहता है, एंड गेव द बेगा ए मर्सलेस स्कॉल्डिंग, मर्सलेस मीन्स बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको अच्छे से डांट देता है वो। द रेग्ड फेलोज इंसोलेंट लाइंग अराउज्ड हिज डिस्गस्ट एंड एवर्शन, और जो रग्ड फेलो यानी कि वो व्यक्ति जो था खड़ा था वो वैसे ही खड़ा रहा एकदम ठीठ बन के, है ना, इंसोलेंट, इंसोलेंट मीन्स होता है ठीठ बन के वो वैसे ही खड़ा रहता है। लाइंग अराउज्ड हिज डिस्गस्ट एंड एवर्सन, वह वैसा का वैसा ही जो है वो खड़ा रहता है, एवर्सन मीन्स घृणा का पात्र वो हो चुका है। वॉज एन ऑफेंस अगेंस्ट वॉट ही स्कॉट सो लव्ड एंड प्राइज्ड इन हिमसेल्फ, और स्कॉट सो को लगता है कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए वो अपने आप में अपने आप को समझता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। स्कॉट सो जो है वो समझता है कि मैं जो हूँ वो एक अपने आप को प्राइज देता है ना, ऐसे नाम देकर अपने आप को बोलता है कि मैं काफी काइंडलीनेस मेरे अंदर है ना, मैं एक फीलिंग हार्ट पर्सन हूँ, अ सिंपथी फॉर द अनहैप्पी, और मेरे अंदर जो है वो दुखिया दुखी जो लोग है ना उनके लिए मेरे अंदर सिंपथी है, सहानुभूति है। तो अपने आप को ऐसा इनाम वो देता है, मतलब अपने लिए ही वो खुद को प्राइज प्राउड महसूस करता है। बाय हिज लाइंग, बाय हिज ट्रीचरस असॉल्ट अपॉन कंपेशन, द इंडिविजुअल हैड एज इट वर डिफिल्ड द चैरिटी विच इज लाइक टू गिव टू द पुअर विथ नो मिसगिविंग्स इन हिज हार्ट। आगे क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लाइंग करेगा, कोई भी ऐसा झूठ बोलेगा, उसके ट्रीचरस मतलब नमक हराम होता है, ट्रीचरस मतलब एक एडजेक्टिव है, उसके असल्ट मीन्स वो हमला करता है किस पे, अपॉन कंपेशन मतलब दया, है ना। तो कोई भी ऐसे झूठ बोलकर किसी व्यक्ति जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो दया करने वाली जो आदत है उसके ऊपर वो हमला है एक तरह से, और इसकी वजह से वो जो दान करने की इच्छा भी रखता है कोई व्यक्ति तो उसको मिसगिविंग हो जाएगा, मीन्स उसने जो दिया है उसका गलत उपयोग हो जाएगा, ऐसा समझकर कोई व्यक्ति जो है वो चैरिटी करना बंद कर देगा। द बेगार एट फर्स्ट डिफेंड हिमसेल्फ, सबसे पहले तो जो बेगार है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, अपने को बचाने की कोशिश करता है, आर्ग्यूमेंट देता है,
प्रोटेस्टेड विथ ऑथ्स, कसम खा खा कर अपने आप को प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, अपना बचाव करने की कोशिश करता है. देन ही सैंक इन टू साइलेंस. सैंक मीन्स डूब जाना. फिर वो एकदम चुप होकर चुप्पी में डूब जाता है, साइलेंस में डूब जाता है. एंड हंग हिज हेड ओवरकम विथ शेम, और शर्म के मारे जो है अपना सर नीचे झुका लेता है. कहता है आगे, सो ही सेड, वो कहता है, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, आई रियली वॉज लाइंग, आई एम नॉट ए स्टूडेंट एंड नॉट ए विलेज स्कूल मास्टर. कहता है कि बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ और दिल से ये बात समझता हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, और मैं बिल्कुल लाइंग ही कर रहा था, मैं झूठ ही बोल रहा था. ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं कोई स्कूल मास्टर था. ऑल दैट्स मेरे इन्वेंशन, वो तो केवल मेरी इन्वेंशंस थी, या मैंने अपने लिए बनाए हुए नाम थे, मतलब अपने लिए ही एक मनगढ़ंत कहानी मैंने बना ली थी. कहता है, आई यूज टू बी इन ए रशियन चॉयर. रशियन मतलब रूस है ना, चॉयर मतलब कि गाने बजाने वालों की टोली. तो क्या कहता है कि मैं कहाँ काम किया करता था, एक रशियन चॉयर में काम किया करता था. एंड आई वॉज टर्न आउट ऑफ इट फॉर ड्रंकननेस. क्या कहता है कि मेरे पीने की आदत की वजह से मुझे उस चॉयर में से, यानी कि उस बैंड वाला, या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट में उस गाने बजाने वाली टोली में से मुझे निकाल दिया गया. बट वॉट कैन आई डू, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ. बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए, इन गॉड्स नेम, भगवान के नाम पे मेरा विश्वास करिए, आई कांट गेट ऑन विदाउट लाइंग. अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता है, कुछ नहीं मिलता है. When I tell the truth, no one will give me anything. मैंने कोशिश करी थी, क्या बोलता है भिखारी, कि मैंने कोशिश करी थी कि मैं सही बोलकर कुछ हासिल कर सकूं, परंतु जब मैं सही बोला तो किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया. With the truth, one may die of hunger and freeze without a night's lodging. और रशिया जो कंट्री है वहां पर अधिकतर ठंड ज्यादा रहती है अधिकतर इलाकों में. तो वो कह रहा है कि अगर मैं सही बोलूं तो सही बोलने से मुझे कुछ दिया नहीं किसी ने. और सर आप ही बताइए कि अगर सही बोलने से व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, भूख के मारे और ठंड के मारे, भूख के मारे मर जाएगा और ठंड के मारे जम जाएगा, अगर उसको रात को लॉजिंग मीन्स कहीं आवास नहीं मिला, रहने की जगह नहीं मिली तो. व्हाट यू से इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड दैट. आप जो बोल रहे हैं ना कि सही क्या होता है, मैं समझता हूँ सर कि सही क्या होता है. व्हाट एम आई टू डू, पर मैं क्या करूँ, अगर मैं सही बोलूंगा तो मैं मर जाऊंगा भूख से या ठंड में जम जाऊंगा मैं. व्हाट आर यू टू डू, यू आस्क, व्हाट आर यू टू डू, क्राइड स्कॉर्सो गोइंग क्लोज अप टू हिम. स्कॉर्सो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको बोला, तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, तुम पूछ रहे हो, तुम रियली मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना है. वर्क. तो स्कॉर्सो क्या कहता है कि काम करो, दैट्स व्हाट यू मस्ट डू, यू मस्ट वर्क, यही तुम्हें करना होगा, तुम्हें काम करना होगा. स्कॉर्सो की बात का जवाब देता है भिखारी, कहता है, वर्क, आई नो दैट माई सर, बट वेयर कैन आई गेट वर्क. हाँ मैं भी जानता हूँ सर कि मुझे काम करना चाहिए, पर मुझे काम मिलेगा कहाँ, यह आप मुझे बता दीजिए. तो स्कॉट्स को जवाब देता है, नॉन सेंस, यू आर यंग स्ट्रांग, तुम जवान हो एंड हेल्दी भी हो, एंड कुड ऑलवेज फाइंड वर्क इफ यू वॉन्टेड टू. और अगर तुम्हें चाहिए तो काम बिल्कुल आराम से तुम्हें मिल सकता था, जहाँ चाहो वहाँ काम मिल सकता था. बट यू नो यू आर लेजी, पैम्पर्ड, ड्रंकन, पर तुम जानते हो कि तुम क्या हो, आलसी हो, तुम एक तरह से पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मीन्स खुद से लाड़ प्यार करने वाले हो, और ड्रंकन और एक पियक्कड़ हो, तुम ये जानते हो अच्छी तरह से, इसलिए तुम काम नहीं ढूंढते. यू रीक ऑफ वोडका लाइक ए पॉट हाउस, और तुम तो आदी हो, एक तरह से रीक होना मतलब कि भाप होता है रीक का मतलब, तो पर वोडका, वोडका इज ए काइंड ऑफ वाइन जो रशिया में मिलती है, रशिया की जो है ना दारू है उसको वोडका कहते हैं. तो तुम वोडका की जो खुशबू है ना, वोडका को जो पी के रहता हो, बस पोर्ट हाउस मतलब एक बर्तन भंडार जिसको बोलते हैं ना, उस तरह के हो गए हो तुम, मतलब कि एक तरह से अपन शुद्ध हिंदी में अगर हमारा हमारी बात में बोले तो हम बेवड़े हो गए हो तुम. यू हैव बिकम फॉल्स एंड करप्ट टू द मेरो ऑफ यूर बोन्स एंड फिट फॉर नथिंग बट बेगिंग एंड लाइंग. तुम क्या हो चुके हैं, तुम बिल्कुल झूठे मक्कार हो चुके हो. करप्ट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से झूठे या झूठ मक्कारी करने वाला व्यक्ति जो है वो हो गया है. टू द मेरो ऑफ यूर, है ना, मेरो मीन्स एक तरह से जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं, और अपनी बोन्स तुम्हारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो चुकी है दारू पी पी के, और तुम जो है कुछ ही काम के अब नहीं रहे, केवल झूठ बोल सकते हो और
तुम भीख मांग सकते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम इतने कमजोर हो गए हो। इफ यू डू ग्रेसियसली कंडसेंट टू टेक वर्क, और यदि तुम वाकई में चाहते हो, कंडसेंट का मीन्स होता है तुम स्वीकार करना, एक्सेप्ट करते हो काम करने के लिए, अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो यू मस्ट हैव अ जॉब इन एन ऑफिस, तो किसी भी ऑफिस में तुम्हें नौकरी मिल सकती है इन द रशियन चॉयर, और वो भी कहां पर, रशियन चॉयर में मिल सकती है या दूसरी जगह मिल सकती है, और एज ए बिलियार्ड मार्कर, और या तो फिर बिलियार्ड मार्कर में तुम्हें जॉब मिल सकती है, वेयर यू विल हैव अ सैलरी, जहां तुम्हें एक तनख्वाह मिलेगी, एंड हैव नथिंग टू डू, और करने को ज्यादा काम रहेगा नहीं, बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर, परंतु तुम मैनुअल लेबर कर कैसे सकते हो, मैनुअल मतलब हाथ से काम कर सकते, कैसे कर सकते हो, तुम कड़ी मेहनत कर नहीं सकते ना। आई विल बी बाउंड यू वुडंट बी ए हाउस पोर्टर और अ फैक्ट्री हैंड, यू आर टू जेंटल फॉर दैट। अब मैं तुम्हें इस चीज के लिए तो बांध नहीं सकता, बाउंड मीन्स तुम्हें इस चीज के लिए तो बंधन में डाल नहीं सकता कि तुम एक हाउस पोर्टर बन जाओ। पोर्टर मतलब कि जो लेबरस काम करता है ना, बोझ ढोने वाला व्यक्ति रहता है, उसको पोर्टर बोलते हैं, या फिर एक फैक्ट्री हैंड या किसी फैक्ट्री में तुम काम करने लग जाओ, ऐसा तो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम इसके लिए काफी जेंटल, जेंटल मीन्स काफी सज्जन व्यक्ति लगते हो, तुम ऐसा तो काम करोगे नहीं। तो आगे वो क्या जवाब देता है इस चीज का, कि व्हाट थिंग्स यू यू से रियली सर, ऐसी क्या बात हुई कि जो ऐसा आप मुझे कह रहे हो, बेकार ऐसा कहता है। एंड ही गेव ए बिटर स्माइल, और एक कड़वी सी स्माइल जो है वो देता है, मतलब इतना डांट खाने के बाद जैसी स्माइल दे सकता है व्यक्ति, वैसी स्माइल वो देता है भिखारी। कहता है हाउ कैन आई गेट मैनुअल वर्क, सर मैं मैनुअल वर्क कैसे कर सकता हूँ, है ना, इट्स रेदर लेट फॉर मी टू बी शॉपमैन, क्योंकि अगर मैं किसी शॉपमैन बन जाऊं या किसी शॉप में काम करने लग जाऊं तो वो तो मेरे लिए बहुत लेट हो गया है, क्योंकि फॉर इन ट्रेड वन हैज टू बिगिन फ्रॉम ए बॉय, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तभी से ट्रेड यानी कि जो खरीदने बेचने का काम करते हैं, ट्रेड मीन्स जो फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं ट्रेडर्स और उनको प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो वैसा करने का जो नॉलेज है वो तो बचपन से ही होना चाहिए, अभी मैं इस उम्र में नहीं बन सकता हूँ। नो वन वुड टेक मी एज ए हाउस पोर्टर, और मुझे कोई भी घर पे बोझा ढोने वाला व्यक्ति भी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑफ दैट क्लास, क्योंकि मैं उस क्लास का व्यक्ति हूं नहीं। एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन ए फैक्ट्री, और सर मुझे तो किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा। वन मस्ट नो ए ट्रेड एंड आई नो नथिंग, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ट्रेड की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, व्यापार की जानकारी होना चाहिए, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। आगे कहता है नॉनसेंस, स्कॉट सो उसको कहता है, इतने बहाने दे रहा है वो, तो स्कॉट सो उसको कहता है गुस्से में, नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन, वुडेंट यू लाइक टू चॉप वुड, अरे तुम्हारे पास तो हर एक चीज का मतलब जवाब है, और हर एक चीज को तुम ऐसे बोल रहे हो, चले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम लकड़ी काटने का काम ही कर लो। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू, तो भिखारी क्या कहते हैं, बिल्कुल सर मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा, परंतु यहां पर भी एक बात है कि बट द रेगुलर वुड चॉपर्स आर आउट ऑफ वर्क नाउ, परंतु जो रेगुलर लकड़हारे हैं, वुड चॉपर्स हैं, लकड़ी काटने वाले, उनका काम आजकल जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि रेगुलर लकड़ी काटने का काम उनको मिलता नहीं है, तो ये आउट ऑफ यू नो मार्केट हो गया आज की डेट में, तो वो अधिकतर काम मिलता नहीं है उनको, तो मैं ये काम कैसे करूं। तो स्कॉट्सो कहता है, ओह ऑल आइडलर्स आर्ग्यू लाइक दैट, तुम्हारे जैसे ही सारे आइडलर्स यानी कि जो फुर्सती ये लोग रहते हैं ना, वो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट देते हैं, ऐसे ही वो बहस करते हैं, एज सून एज यू आर ऑफर्ड एनीथिंग यू रिफ्यूज, जैसे ही तुम्हें कोई काम दिया जाए तुम क्या कर देते हो, मना कर देते हो, तुम्हें तो काम करना ही नहीं, क्योंकि वुड यू केयर टू चॉप वुड फॉर मी, चले ठीक है जो भी है, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे, स्कॉट्स उसको ऑफर देता है। तो भिखारी कहता है सर्टेनली आई विल, बिल्कुल सर मैं आपके लिए जो है वो लकड़ी काटूंगा, मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है सर मैं कर लूंगा। तो स्कॉट्स उसको कहता है वेरी गुड देन वी शेल सी, ठीक है देखते हैं हम, एक्सीलेंट बहुत अच्छा तुमने ये चीज एक्सेप्ट करी, वी विल सी हम देखते हैं तुम कैसा करते हो। स्कॉट्सो इन नर्वस हेस्ट, अब स्कॉट्सो जो है वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए परंतु हेस्ट जल्दी में कहता है, एंड नॉट विदाउट मैलिगेंट प्लेजर रबिंग हिज हैंड्स सुमोंड हिज कुक फ्रॉम द किचन, और अपने हाथों को रब करते हुए, है ना, और ये मैलिग्नेंट का मतलब होता है एक तरह से घातक,
है ना, तो घातक निगाहों, घातक है वो अभी, मतलब वो प्लेजर तो है उसको, खुशी तो हो रही है, परंतु उसमें भी थोड़ा सा जो स्कॉट सो है उसको गुस्सा आ रहा है ना। तो अपने हाथों को रब करते हुए, घिसते हुए वो कहता है अपनी सुमोन, मतलब कि एक तरह से कॉल करना, अपनी कुक को वो बुलाता है, कहता है हियर ओल्गा, उसी कुक का नाम क्या है, स्कॉट सो की ओल्गा, कहता है हियर ओल्गा ही सेड टू हर, टेक दिस जेंटलमैन टू द शेड एंड लेट हिम चॉप सम वुड। इस जेंटलमैन को, जो है सज्जन को, कहाँ ले जाओ, जो शेड है जहां पर लकड़ी रखी हुई है वहां पर ले जाओ और इससे लकड़ी चॉप करवाओ, मतलब कटवाओ। द बेगा श्रग्ड हिज सोल्जर, श्रग्ड मीन्स ऐसे कंधे उचकाने की, उचकाते हुए अपने शोल्डर्स उचकाते हुए वो पजल्ड, मीन्स जैसे वो कंफ्यूज है, उसको कुछ पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है वो। एंड इरेसोल्युटली फॉलोड द कुक। इरेसोल्युटली मतलब क्या होता है, बिना शक्ति के, मतलब बिल्कुल आरामदायक तरीके से जो वो कुक के पीछे पीछे चल देता है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज डेमिनियर, डेमिनियर मीन्स उसके आचरण या हाव भाव, उसके हाव भाव से ये प्रूव हो रहा है, एविडेंट मिल रहा है, ये अंदेशा मिल रहा है कि दैट ही हैड कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू अर्न मनी। उसको देख कर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो कंसिस्टेंट है, मीन्स एक तरह से किसी काम को करने के लिए वो तैयार है वो, या उसने एक्सेप्ट कर लिया है काम करना, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है और इसलिए कि वो भूखा है ना, इसलिए वो काम के लिए नहीं जा रहा है, परंतु बट सिंपली फ्रॉम शेम एंड एमोर प्रॉपर, बल्कि किस लिए जा रहा है, सिर्फ अपने आमोद प्रमोद, है ना। एमोर जो वर्ड है, एमोर प्रॉप मीन्स क्या होता है, प्रॉपर मीन्स क्या होता है, आमोद प्रमोद, तो सिर्फ अपने मजे के लिए, मतलब एक तरह से वो जा रहा है और अपनी शर्म की वजह से जा रहा है, क्योंकि अब वो फंस चुका है, एक तरह से एक ट्रैप में फंस चुका है, वो जाल में फंस चुका है, इसलिए वो जा रहा है। बिकॉज ही हैड बीन टेकन एट हिज वर्ड, क्योंकि अब वो अपने ही वर्ड, अपने ही शब्दों के जाल में वो फंस गया है। इट वॉज क्लियर टू, और यहां पर यह बात भी साफ हो जाती है, दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वोडका, कि वो वोडका के इफेक्ट से अभी जूझ रहा है, मतलब वो नशे में है अभी। दैट ही वॉज अनवेल, और वो अनवेल है, मतलब ठीक ठाक नहीं है उसकी कंडीशन भी, एंड फेल्ट नॉट द फेंटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क, और काम करने के लिए वो फेंटेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत मंदा और बेहुदा हो रहा है, क्योंकि नशे में वो उसके आड़े तिरछे पैर जा रहे हैं, हाथ जा रहे हैं, तो वो काम करने के लिए इस टाइम पे परफेक्ट नहीं लग रहा है। स्कॉट्सो हरी इन टू द डाइनिंग रूम, और स्कॉट्सो जो है कहाँ चला जाता है, अपने डाइनिंग रूम में चला जाता है, और वहां से वो देखता है देयर फ्रॉम द विंडो विच लुक्ड आउट इन टू द यार्ड ही कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द यार्ड। और स्कॉट्सो कहाँ देखता है, वो देखता है कि अपने डाइनिंग रूम की खिड़की से, जहां से वो लकड़ी का शेड उसको क्लियरली नजर आता है, और साथ ही वो देख सकता है कि वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको भी वो देख सकता है, ऐसा वो खड़ा हो जाता है। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पे खड़े होकर स्कॉट्सो सा, स्कॉट्सो देखता है द कुक एंड द बेगार कम बाय द बैक वे इन टू द यार्ड, जो पीछे के रास्ते से वो बेगार और कुक जो है वो दोनों उसको आते हुए नजर आते हैं। एंड गो थ्रू द मडी स्नो टू द वुड शेड, और वुड शेड का जो रास्ता है, मतलब पीछे की तरफ, तो वो मडी है, मिट्टी वाला है, और स्नो मतलब बर्फ गिरा हुआ है, इसकी वजह से वो मडी स्नो वाला रास्ता हो गया है। तो वहां से वो जाते हुए दोनों को देखता है। ओल्गा स्क्रूटिनाइज्ड हर कंपेनियन एंग्रीली, तो गुस्से में जो ओल्गा है वो स्क्रूटिनाइज करती है, मतलब थोड़ा सा उसकी जांच परख करती है अपने कंपेनियन, मतलब साथी उस भिखारी की। एंड जर्किंग हर एल्बो अनलॉक द, जर्किंग मीन्स ऐसे मोड़ लेना, एल्बो मतलब अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ कर और अनलॉक कर देती है वुड शेड के उस दरवाजे को। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर ओपन, और ऐसे धक्का मार के अपनी कोहनी से गुस्से में उसको गेट को ओपन कर लेती है शेड के। स्कॉट्सो इधर खड़ा है और क्या सोच रहा है, मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमेन ड्रिंकिंग हर कॉफी, तो स्कॉट्सो ऐसा सोचता है व्हाट ए क्रॉस क्रिएचर शी इज, ओल्गा के बारे में सोचता है कि इतना गुस्सा कर रही है ये, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कॉफी जब ये पी रही थी मैंने तभी इसको बुला लिया है और इंटरप्ट कर दिया, इसको दखलअंदाजी कर दी मैंने इसके काम में,
और कितनी क्रॉस क्रिएचर होना, मतलब कि एक तरह से जो एब्यूजिंग करने वाला पर्सन रहता है, गुस्सेल व्यक्ति रहता है, तो ये कितना गुस्सेल लेडी है। मतलब देन सा, फिर क्या देखता है वो, देन ही सा द शूडो स्कूल मास्टर एंड शूडो स्टूडेंट सीट हिमसेल्फ ऑन ए ब्लॉक ऑफ वुड। वो देखता है कि जो स्कूल मास्टर और स्टूडेंट अपने आप को बता रहा था, वो भिखारी जो है एक वुड के, एक लकड़ी के एक ब्लॉक पर, एक टुकड़े पर बैठ जाता है। एंड और क्या करता है, लीनिंग हिज रेड चेक्स अपॉन हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठियों से अपने लाल गालों पर, मतलब अपने रेड चेक्स पर वो रख लेता है और उसके ऊपर झुक जाता है। सिंक इनटू थॉट, और कुछ सोचने में डूब जाता है। द कुक फ्लंग एन एग्स एट हिज फीट, और जो कुक है वो एक कुल्हाड़ी जो उसके पैरों के यहाँ पर लाके पटक देती है। स्पैट एंग्रीली ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे उसकी धड़ से आवाज आती है। एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और अपने लिप्स से, उसके लिप्स से ही उसको जज किया जा सकता है कि वो क्या कर रही है, बिगन अब्यूजिंग हिम। और उस स्कॉट्सों ने जिस व्यक्ति को भेजा था, यानी कि बेगार, उसको अब्यूज करना, भला बुरा कहना शुरू कर देती है। द बेगार ड्रिव ए लॉग ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम इरेसोल्युटली, और जो बेगार है, भिखारी, वो क्या करता है, अपनी तरफ एक वुड का लॉग, लॉग मीन्स जो एक तरह से जो गठरी है ना, वो अपनी तरफ खींच लेता है एक लॉग पूरा का पूरा, और उस लॉक को, यानी कि एक पूरा डंडा जो है मोटा सा, वो खींच लेता है और अपने पैरों के बीच में रख लेता है। और आगे क्या करता है, जो कुल्हाड़ी उसने फेंकी थी उसकी तरफ, यानी कि जो ओल्गा जो थी स्कॉट्सो की कुक है ना, उसने जो कुल्हाड़ी उसको दी थी उसकी तरफ, वो कुल्हाड़ी उठा लेता है, एक लॉक को अपनी तरफ खींचता है, और लॉक जैसे ही उसकी तरफ खींचता है अपने दोनों फीट के बीच में रखकर, एंड डिफिडेंटली ड्रिव द एक्स क्रॉस इट, और डिफिडेंटली मतलब एक तरह से अपने आप को बचाते हुए वो क्या करता है, कुल्हाड़ी को उस लॉक के ऊपर बीचों बीच मारता है उसको काटने के लिए। और जैसे ही वो उसको काटने के लिए और डालता है उसके ऊपर, मतलब कि कुल्हाड़ी मारता है, द लॉक टॉप्ड एंड फेल ओवर। तो लॉक जो है वो क्या हो जाता है, टॉप्ड हो जाता है, टॉप्ड मतलब गिर जाता है। और फिर क्या होता है, द बेगार ड्रिव इट टुवर्ड्स हिम, तो बेगार जो है दोबारा अपनी तरफ उसको खींच लेता है। ब्रीथ्ड ऑन हिज फ्रोजन हैंड, अपने जमे हुए हाथों को, दोनों को अपने मुंह के यहाँ पर लेकर सांस लेता है। एंड अगेन ड्रिव एट द एक्स अलॉन्ग इट एज कॉशियसली एज थो ही वर अफ्रेड ऑफ इट्स हिटिंग हिज गॉलोश और चॉपिंग ऑफ हर फिंगर, और उसको डर है कि कहीं कुल्हाड़ी मारने से उसके गॉलोश मीन्स उसके जो जूते हैं उसके ऊपर ना लग जाए या फिर उसकी उंगलियां ना कट जाए। ऐसा कॉशियसली मतलब कि थोड़ा सावधान होकर जो है वापस से क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को उसके ऊपर मारता है, लॉक के ऊपर। द लॉक फेल ओवर अगेन, तो लॉक फिर से गिर जाता है। स्कॉट्सो व्रेथ हैड पास्ड ऑफ बाय नाउ, और स्कॉट्सो ये सब कुछ जो है वो देख रहा है, और वो व्रेथ मीन्स उसका कोप या गुस्सा जो है वो अब और बढ़ जाता है। ही फेल्ट सोर एंड अशेम्ड है ना, वो सॉरी पास्ड ऑफ, ऑफ OFF है, मतलब कि उसका गुस्सा जो व्रेथ है, कोप उसका कम हो जाता है अब। और वो क्या कहता है, ही फेल्ट सोर एंड अशेम्ड, वो अपने आप से ही रूखा महसूस करता है और शर्मिंदा महसूस करता है। क्या सोचकर, एट द थॉट दैट ही हैड फोर्स्ड ए पैम्पर्ड ड्रंकन एंड परहैप्स सिक मैन टू डू हार्ड, वो सोचता है कि यार मैंने जो है ना वो एक ड्रंकन व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति और शायद बीमार भी लग रहा है, ऐसे व्यक्ति को हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स किया है। शर्म, शेम ऑन मी मीन्स मुझे शर्म आनी चाहिए। रफ वर्क इन द कोल्ड, और इस ठंड में जो है काफी हार्ड वर्क उसको करने का मैंने कहा है। वो कहता है स्कॉट्सो, नेवर माइंड लेट हिम गॉन, ठीक है कोई बात नहीं इसको छोड़ो। ही थॉट, वो सोचता है कि इसको छोड़ो यार, जाने तो इसको। गोइंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम इन टू हिज स्टडी, डाइनिंग रूम से स्टडी रूम में जाते हुए ऐसा वो सोचता है, कहता आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड, ये तो मैं उसके अच्छे के लिए, भले के लिए कर रहा था, नहीं हो रहा है ठीक है जाने दो। एन आवर लेटर, एक घंटा बीत जाता है, ओल्गा अपीयर्ड एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। ओल्गा जो उसकी कुक है वो अंदर आती है उसके डाइनिंग सॉरी स्टडी रूम में जहाँ पर स्कॉट्सो बैठा है, और कहता है कि कहती है कि बिल्कुल लकड़ी काट दी गई है।
हियर गिव हिम हाफ ए रूबल सेड स्कॉट सो. स्कॉट सो क्या कहता है कि ठीक है अच्छी बात है और एक रूबल इसको दे दो है ना. इफ ही लाइक्स और अगर इससे कह भी दो कि अगर इसको पसंद आया तो लेट हिम कम एंड चॉप वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. मीन्स हर महीने की पहली तारीख आएगा ये और बिल्कुल लकड़ी काट कर चला जाएगा. देर विल ऑलवेज बी वर्क फॉर हिम. उसके लिए हमेशा ही जो है अपने यहाँ पर काम रहेगा. इसको बोल दो अगर इसको पसंद है तो ये आ जाए. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द बेगा टर्न्ड अप एंड अगेन अर्न्ड हाफ ए रूबल. वापस से अगले महीने की पहली तारीख जो भिखारी है वापस वहीं आता है और वापस से हाफ ए रूबल मतलब आधा रूबल वापस से अर्न करके चला जाता है. तो ही कुड हार्डली स्टैंड. और फिर भी उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो मुश्किल ही जो है क्या हो पा रहा है खड़ा हो पा रहा है. ऐसी कंडीशन में है वो अभी भी ड्रंकन इस कंडीशन में हो. फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड ही टुक टू टर्निंग फ्रिक्वेंटली. और उसके बाद से ही लगातार जो है वो आते रहा वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए. एंड वर्क वॉज ऑलवेज फाउंड फॉर हिम. और हमेशा ही उसको वहाँ पर अपने लिए काम मिलता रहा. समटाइम्स कभी कभार क्या होता था ही वुड स्वीप द स्नो इन टू हीप्स. कई बार जो बर्फ गिर जाता था उसको वो स्वीप करता साफ करके ढेर बना देता था. और कई बार क्लियर अप द शेड. और कई बार वो शेड जो था उसको साफ करता था. एट एनोदर ही यूज्ड टू बीट द रक्स एंड द मैट्रेसेस. और दूसरी बार जो मैट्रेसेस वगैरह रक्स वगैरह जो मतलब कालीन वगैरह रहती है और जो गद्दे वगैरह रहते हैं उनको साफ करता था. तो कोई ना कोई काम उसको हमेशा वहाँ पर मिल जाता था स्कॉट्सो के घर. ही ऑलवेज रिसीव्ड 30 to 40 कॉपेक्स फॉर हिज वर्क. और हमेशा ही उसको कम से कम 30-40 कॉपेक तो मिल ही जाते थे उसके काम के. एंड ऑन वन ओकेशन एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज सेंट आउट टू हिम. और कई बार तो उसको जो ट्राउजर्स है मीन्स स्कॉट्सो के जो पुराने कपड़े हैं ट्राउजर्स वगैरह पेंट वगैरह उसको कई कई मौकों पर वो भी मिल जाया करते थे. तो पहनने के लिए भी उसके पास हो गए थे और पैसे भी उसको मिल जाते थे. व्हेन ही मूव्ड स्कॉट्सो एंगेज्ड हिम टू असिस्ट इन पैकेजिंग एंड मूविंग द फर्नीचर. जब वो वहां से जाने को होता है एक दिन तो स्कॉट्सो उसको काय में लगा देता है इंगेज कर देता है कि पैकेज जो फर्नीचर है उसको पैक करने में और वहां से हटाने में उसको लगा देता है. ऑन दिस ओकेशन द बेगार वॉज सोबर. और इस ओकेशन में जो बेगार है वो सोबर मतलब काफी गंभीर दिखता है उसको काफी गंभीर नजर उसको आता है. ग्लूमली भी दिखाई देता है एंड साइलेंट. तो ग्लूमली मतलब उदास दिखता है और सोबर मतलब गंभीर जो है वो दिखाई देता है और चुपचाप भी है वो. ही स्केयर्सली टच द फर्नीचर. वो मुश्किल से ही फर्नीचर को टच करता है मतलब टच नहीं करता है वो फर्नीचर को. और वॉक्ड विथ हैंगिंग हेड. हैंगिंग हेड मीन्स अपने झुके हुए सर के साथ वो वॉक करता है. और कहाँ चला जाता है बिहाइंड द फर्नीचर वेन्स. और जो फर्नीचर की वेन है उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है. एंड डिड नॉट इवन ट्राई टू अपीयर बिजी. और बिल्कुल ये कोशिश नहीं करता है कि वो व्यस्त है ऐसा दिखाने की. ही मेरली शिवर्ड विद द कोल्ड. वो केवल काई से शिवर्ड करा. शिवर्ड मतलब कपकपाना कोल्ड से ठंड से वो कपकपा रहा था. एंड वॉज ओवरकम विथ कन्फ्यूजन वैन द मैन विद द वेन्स लाफ्ड एट हिज आइडलनेस. और इस चीज से को भी वो जानकर कन्फ्यूज हो रहा था कि शायद जो वैन के बाकी लोग हैं वो उसकी आइडलनेस को मतलब उसके निकम्मेपन को एक तरह से जो है वो देखकर हंस रहे होंगे. और फीबलनेस को देखकर हंस रहे होगा. फीबलनेस मतलब उसकी क्षीणता फिजिकल वीकनेस को देखकर भी वो हंस रहे होगे. एंड रेग्ड कोट. और दूसरा जो गंदा सा फटा सा कोट है उसको देखकर वो बाकी के लोग उसके ऊपर हंस रहे होंगे. एंड दैट कोट हैड वंस बीन ए जेंटलमैन्स. है ना जो कि एक पहले जो है किसी जेंटलमैन का रहा होगा. आफ्टर द रिमूवल स्कॉट्सो सेंट फॉर हिम. जो कि कोट जो है वो किसका था स्कॉट्सो का था. लेकिन उसने जैसे ही अपने यहाँ से रिमूव किया मतलब पुराना हो गया तो वो किसको दे दिया था उस भिखारी को दे दिया था. तो ये सब सोचकर जो वो काफी गंभीर और उदास है और भिखारी जो है सोच रहा है कि ये बाकी लोग मुझ पर हंस रहे होंगे. आगे स्कॉट्सो से कहता है वेल आई सी माई वर्ड्स हैव हैड एन इफेक्ट अपॉन यू ही सेड गिविंग हिम ए रूबल. एक रूबल देते हुए स्कॉट्सो कहता है कि मैं देख रहा हूं तुम पे मेरे शब्दों का असर हुआ है मेरी बातों का असर हुआ है. This is for your work. ये लो एक रूबल ये तुम्हारे काम के लिए. I see that you are sober and not disinclined to work.
और व्हाट इज योर नेम, कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम काफी गंभीर हो चुके हैं और नॉट डिसइंक्लिन, मतलब अपने काम से तुम विमुख नहीं हो रहे, अपने काम से तुम मुख नहीं मोड़ रहे हो, और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो जवाब देता है कि मेरा नाम लश्को है। आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क, नॉट सो रफ लश्को, कैन यू राइट? तो लश्को उसे क्या पूछता है स्कॉर्सो, कहता है कि मैं तुम्हें इससे बेहतर काम दिला सकता हूं, वो इतना रफ नहीं होगा, और क्या तुम लिख सकते हो? तो वो कहता है यस सर, मैं लिख सकता हूं। देन गो विथ दिस नोट टुमारो टू माई कलीग एंड ही विल गिव यू सम कॉपिंग टू डू। तो ठीक है, ये नोट ले जाओ मुझसे, लिख के कुछ पेपर में देता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है और तुम्हें कुछ कॉपी करने का, यानी कि कुछ राइटिंग का वर्क जो है वो दे देगा। वर्क डोंट ड्रिंक, है ना, याद रखना, जाओ काम करना, पीना मत। एंड डोंट फॉरगेट व्हाट आई सेड टू यू गुड बाय, और बिल्कुल ये बात भूलना मत कि मैंने तुमसे क्या कहा है, अब तुम जा सकते हो। स्कॉर्सो प्लीज्ड दैट ही हैड पुट ए मैन इन द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड। तो स्कॉर्सो जो है वो ये सोचकर काफी खुश है कि उसने किसी व्यक्ति को जो है वो क्या कर दिया, इंसाफ, रेक्टिट्यूड मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ उसने, गरीब इंसान के साथ उसने बिल्कुल न्याय किया है और उसको सही रास्ते पर, इंसाफ के रास्ते पर उसको लाकर खड़ा कर दिया है। पैटेड लश्को जेनियली ऑन द शोल्डर, और पैटेड मीन्स उसको पीठ थपथपाना, उसके कंधों को थपथपाते हुए जो है वो जेनियली थपथपाते हुए, मतलब दिल से उसको, उसकी पीठ थपथपाते हुए स्कॉर्सो जो है कहता है एंड इवन शूक हैंड्स विथ हिम एट पार्टिंग, और पार्टिंग मीन्स जब उससे पार्ट हो रहा है, अलग हो रहा था, तब उससे हैंड भी शूक करता है, मतलब हाथ भी मिलाता है लश्को से जो है स्कॉर्सो। लश्को टुक द लेटर, लश्को वो लेटर ले लेता है, डिपार्टेड वहां से निकल लेता है, एंड फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड डिड नॉट कम टू द बेक यार्ड फॉर होम और फॉर वर्क, और वापस से उस यार्ड में, मतलब कि स्कॉर्सो के पास, वो कभी लौट कर नहीं आता है। 2 years पास्ट, और इस बात को 2 साल बीत चुके होते हैं। वन डे एज स्कॉर्सो वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट ऑफिस ऑफ ए थिएटर, और एक दिन की बात है, फिर स्कॉर्सो टिकट घर के यहाँ पर खड़ा है किसी थिएटर में, और पेइंग फॉर हिज टिकट, अपने टिकट का पैसा पे कर रहा है। ही सा बिसाइड हिम ए लिटिल मैन, एक छोटा बोना आदमी जो है अपने बगल में देखता है, विथ ए लैम्प स्किन कॉलर, एक लैम्प स्किन कॉलर मतलब कि अच्छी जो कालीन वाली कॉलर होती है वो कॉलर है उसकी, किसकी, जो व्यक्ति, लैम्प स्किन मीन्स एक मतलब लेदर की, है ना, भेड़ की खाल की जो बनी हुई है, और एक शेबी केट स्किन की कैप वो पहना हुआ है। द मैन टिमिडली आस्क्ड द क्लर्क फॉर ए गैलरी टिकट एंड पेड फॉर इट विथ कॉपेक्स, और वो जो लिटिल मैन है वो टिमिडली, मतलब डरते डरते जो है वो क्या करता है, जो टिकट काउंटर पर जाता है और टिकट मैन जो देने वाला व्यक्ति है उससे कॉपेक्स में पे करके और गैलरी का टिकट खरीद लेता है। लश्को इज इट यू, आस्क स्कॉर्सो, रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। स्कॉर्सो पहचान लेता है कि ये उसका पुराना लकड़ी काटने वाला जो है वुड चॉपर है, और उससे कहता है लश्को तुम हो क्या? वेल व्हाट आर यू डूइंग, आर यू गेटिंग ऑन ऑल राइट, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या सब कुछ सही चल रहा है? ऐसा स्कॉर्सो उससे पूछता है। लश्को जवाब देता है प्रिटी वेल सर, बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम इन ए नोटरी ऑफिस, नोटरीज ऑफिस नाउ, मैं नोटरी करने के ऑफिस में हूं मैं अब, एंड आई अर्न 35 रूबल्स, और मैं 35 रूबल जो है वो कमाता हूं। वेल थैंक गॉड दैट्स कैपिटल आई रिजॉइस फॉर यू, ओ यही तो पूंजी है जीवन की, है ना, जो मैंने तुम्हें बताया तुमने किया, और मुझे बहुत इस चीज को देखकर आनंद की अनुभूति हुई है, या मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, है ना लश्को, मैं बहुत खुश हूँ। यू नो इन ए वे यू आर माई गॉड सन, तुम जानते हो कि तुम मेरे एक क्या हो, गॉड सन, और गॉड सन जो वर्ड यूज करते हैं वो एक ऐसे मेल चाइल्ड के लिए करते हैं जो कि गॉड पेरेंट जिसके रहते हैं और उसको जो सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्चुअल पेरेंट ना होते हुए उसके सपोर्ट में रहते हैं, उसको गॉड गॉड पेरेंट्स बोलते हैं। तो उसने कहा कि तुम मेरे गॉड सन हो, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है। इट वॉज आई हु शोड यू इन टू द राइट वे, ये मैं हूं जिसने, शोड मीन्स धक्का देना होता है वैसे तो, पर मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लाया हूं। डू यू रिमेंबर व्हाट ए स्कॉल्डिंग आई गेव यू, ए क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना डांटा था उस दिन, यू ऑलमोस्ट शेंक थॉट द फ्लोर दैट टाइम, और तुम उस समय हमेशा ही फ्लोर की तरफ देखते रहते थे, जमीन की तरफ देखते रहते थे जब भी मैं डांटता था। वेल थैंक यू माई डियर
फेलो फॉर रिमेम्बरिंग माई वर्ड्स। चलो जो भी है, बहुत अच्छी किया तुमने, और थैंक यू कि तुम्हें मुझे तुमने मेरे कही हुई बात का ध्यान रखा, उसको याद रखा। थैंक यू टू सैड लस्को। लस्को भी कहता है कि सर आपको भी धन्यवाद। इफ आई हैड नॉट कम टू यू दैट डे मे बी आई शुड बी कॉलिंग माई सेल्फ ए स्कूल मास्टर और ए स्टूडेंट स्टिल। तो धन्यवाद सर आपका भी। अगर मैं उस दिन आपके यहाँ नहीं आया होता तो शायद मैं आज तक अपने आप को झूठ बोलकर एक स्कूल मास्टर और एक स्टूडेंट बताया करता। यस इन योर हाउस आई वॉज शेव्ड। बिल्कुल मैं आपके घर में मुझे मतलब मैं बच गया। एंड क्लाइम्ब आउट ऑफ द पिट। और जो बड़ा गड्ढा था उससे मैं बाहर क्लाइम करके आ गया, मतलब चढ़कर आ गया। आई एम वेरी वेरी ग्लेड सर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आपके लश्को क्या कहता है कि आपके अच्छे शब्दों के लिए और आपके अच्छे कामों के लिए आपका धन्यवाद। व्हाट यू सेड दैट डे वॉज एक्सलेंट। जो भी तुमने उस दिन मुझे कहा वो बहुत जबरदस्त था। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ और तुम्हारी कुक को जो ओल्गा थी उसको भी, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ उसका भी। गॉड ब्लेस दैट काइंड नोबल हार्टेड वुमेन। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उस दयालु और नोबल महिला पर, जो है नोबल हार्टेड महिला पर बना रहे। व्हाट यू सेड दैट डे वाज एक्सलेंट। जो भी आपने कहा वो काफी जबरदस्त था उस दिन। आई एम इंडेप्टेड टू यू एज लॉन्ग एज आई लाइव। मैं जब तक जीऊंगा आपका ऋणी रहूंगा। ऑफ कोर्स बट इट वाज योर कुक। बिल्कुल मैं इसका आभारी रहूंगा, परंतु तुम्हारी कुक थी वो ओल्गा हु रियली सेव्ड मी, जिसने मुझे वाकई में बचाया है। सारी चीजों के लिए मैं आपका आभारी हूं, पर सर एक बात तो मानना पड़ेगी कि जो आपकी कुक थी उसने ही मुझे सेव किया है, उसने ही मुझे बचाया है। तो स्कॉट सो कंफ्यूज ज्यादा, वो कहता है कि हाउ वॉज दैट, ये कैसे हुआ। लस्को उसको सुनाता है पूरी कहानी। वाई इट वॉज लाइक दिस सर, वो क्यों ऐसा हुआ है। आई यूज टू कम टू यू टू चॉप वुड एंड शी वुड बिगिन। जैसे ही मैं लकड़ी काटने वहां पर आता था तो वो शुरू हो जाती थी। क्या कहती थी, ए यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़ हो। यू गॉड फॉर सेकन मैन, तुम भगवान के द्वारा भुला दिए गए हो पैदा करके, तुम ऐसे व्यक्ति हो। एंड येट डेथ डज नॉट टेक यू, और तुम्हें तो मौत भी नहीं आती है। एंड देन शी वुड सिट अपोजिट मी, और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी लेमेंटिंग करते हुए, मीन्स दुख व्यक्त करते, लुकिंग इन टू माई फेस एंड वेलिंग, मेरे चेहरे की तरफ देखती और रोती। कहती यू अनलकी फेलो, तुम कितने बदकिस्मत हो। यू हैव नो ग्लेडनेस इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट यू विल बर्न इन हेल, और मरने के बाद भी तुम कहाँ जलोगे, कहाँ जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। पुअर ड्रंकार्ड, तुम तो पियक्कड़ हो। यू पुअर सोरोफुल क्रिएचर, तुम काफी बेचारे और गरीब जो है ना दुखी व्यक्ति हो। एंड शी ऑलवेज वेंट ऑन दैट स्टाइल, और वो हमेशा ही सर ऐसे मुझे सुनाती रहती थी। यू नो, आप जानते हो। हाउ ऑफन शी अपसेट हर सेल्फ एंड हाउ मेनी टीयर्स शी शेड ओवर मी, आई कांट टेल यू। वो कितनी बार मुझे देखकर सर बहुत दुखी होती थी, और कई बार तो वो मेरे लिए बहुत रोई है। बट वॉट अफेक्टेड मी मोस्ट, परंतु ये सारी चीजें तो छोड़ो सर, मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने इफेक्ट किया ना वो क्या थी, शी चॉप्ड द वुड फॉर मी सर। वो मेरे लिए लकड़ियां चॉप कर देती थी, मैं नहीं करता था सर। डू यू नो सर, आप जानते हैं सर, आई नेवर चॉप्ड ए सिंगल लॉग फॉर यू सर, मैंने एक भी लकड़ी का टुकड़ा जो है आपके लिए नहीं काटा है। शी डिड इट ऑल, सारे काम उसी ने किए मेरे लिए। हाउ इट वॉज शी सेव्ड मी, किस तरह से उसने मुझे बताया है, बचाया है। हाउ इट वॉज आई चेंज, और किस तरह से मैंने अपने आप को बदल लिया, लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देख देख कर। एंड गेव अप ड्रिंकिंग, और मैंने पीना छोड़ दिया सर। आई कांट एक्सप्लेन सर, मैं आपको सारी चीजों का विवरण नहीं दे सकता है। आई ओनली नो, मैं केवल यही जानता हूं दैट कि वॉट शी सेड, उसने मुझे क्या कहा था। एंड द नोबल वे शी बिहेव्ड ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन माई सॉल, और किस तरह से उसने बिहेव किया और उस बिहेव से मेरी आत्मा में बदलाव आया है। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसको सर कभी भूल नहीं सकता। इट्स टाइम टू गो अप, अब चलिए सर ऊपर जाने का टाइम हो गया थिएटर में, है ना। तो दे आर जस्ट गोइंग टू रिंग द बेल, बस थिएटर की बेल बजने ही वाली है, और अब हम चलते हैं। लश्को बोर्ड एंड वेंट ऑफ टू द गैलरी। लश्को नीचे झुककर सलाम करता है और गैलरी की तरफ चला जाता है। तो इस तरह की स्टोरी थी। सो ए काइंड हार्टेड वुमेन हैव चेंज्ड द होल लाइफ ऑफ ए बेगारी बेगार सॉरी तो एक बेगार की पूरी जीवन जो है वो बदल देती है एक महिला। ये पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी